नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास जनरल एसटी ग्रुप में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार एट क्या 2020 4/12/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे दोस्तों, उसी का राइट आंसर देखेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में लाए जो हैं आपके लिए बिहार आईटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 4/12/2020 को, उसमें जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जो दोस्तों के द्वारा प्रश्न मिला उसका राइट आंसर देखेंगे। और राइट क्वेश्चन यही पूछा गया था दोस्तों, और सेंटर पर भी जाकर मैंने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से, जो जो क्वेश्चन बताया गया वो सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गोबर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ETC का मिश्रण होता है। गोबर गैस किसका किसका मिश्रण होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैस का मिश्रण होता है। तो गोबर गैस ये आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, चमकदार ग्रह कौन सा है। चमकदार ग्रह जो है दोस्तों कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में बिहार आईटीआई का। जो जितने भी दोस्त मेरे या जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आप जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी दोस्त अपना अपना क्वेश्चन मिला लेंगे कि आपका कितना राइट हो रहा है, उस अनुसार से हमें कमेंट भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना बटा कितना आ रहा है। इससे हम आपके लिए एक क्लास और देंगे बिहार आईटीआई का, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको कितना पर कौन सा ट्रेड मिल जाएगा, यानी कितना रैंक आएगा तभी आपको कौन सा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों जितने भी मेरे प्यारे साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में, लाल ग्रह कौन सा है। लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो मंगल है लाल ग्रह। कौन सा है? मंगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। लाल ग्रह जो है मंगल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पोल तारा को किस नाम से जानते हैं। पोल तारा जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसको हम जानते हैं उल्फा उर्साएं माइनोरिस। उल्फा उर्साएं माइनोरिस के नाम से जानते हैं पोल तारा को। किस नाम से जानते हैं? उल्फा उर्साएं माइनोरिस के नाम से जाना जाता है पोल तारा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम में, फ्लेमिंग का हस्त नियम किस दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग का जो हस्त नियम है दोस्तों, धारा की दिशा को बतलाता है। किसको बतलाता है? धारा की दिशा को बतलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फ्लेमिंग का हस्त नियम किस दिशा को बतलाता है, तो क्या होगा? धारा की दिशा को। आप सभी अपना अपना मिला लेंगे आपका कितना सही हो रहा है और कितना रंग हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ था 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ। मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। बांग्लादेश का जो मुद्रा है दोस्तों क्या है? टाका है। क्या है दोस्तों? टाका। बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि यदि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपके पास और कोई मैथ का क्वेश्चन होगा या कोई अदर क्वेश्चन होगा तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि आपका जो आपके लिए जो क्लास लेंगे हम उसमें उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ताकि आप अपने राइट आंसर को मिला लेंगे तो इससे आपका कितना सही हो रहा है ये पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन शोक किसे कहा जाता है। चीन का जो शोक है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीली नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों क्या है? हरी तीतर है। कौन सा है? हरी तीतर। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में एग्जाम जो हुआ आज उसी में ये प्रश्न पूछे गए थे कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। सारे प्रश्न हमने कलेक्ट करके और अपना भी पूरा कंफर्म हो गए, तब आपके लिए पूरा कंफर्म के साथ, तभी दोस्तों इतना टाइम लगा हमें लाने में और आप लोगों का पूरा कंफर्म हम सेटिस्फाइड हो गए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आप लोगों के लिए लाए हैं कि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? हरी तीतर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? मैथिली कवि जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, COVID-19 में कौन सा मास्क का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? N95 मास्क का प्रयोग किया जाता है। COVID-19 में कौन सा मास्क? N95 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें जरूर से जरूर जो बचा हुआ प्रश्न होगा हमें शेयर कर देंगे, ताकि उसका हल आपको 100% राइट आंसर के साथ दिया जाएगा दोस्तों। तो मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास तो हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। और साथ ही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आपका जो चैनल है जनरल स्टडी ग्रुप, यह जनरल की भी तैयारी करवाता है। और तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, अम्लीय वर्षा क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, सिक्किम का राष्ट्रीय पशु क्या है? सिक्किम का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो रेड पांडा जो है सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। कौन दोस्तों? रेड पांडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उड़ीसा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उड़ीसा का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों भारतीय रोलर कहा जाता है। उड़ीसा के राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारतीय रोलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये मैथ का क्वेश्चन है, 20, 30, 40, 50, 60 का माध क्या होगा? तो माध बराबर सभी दोस्त जानते होंगे, माध बराबर क्या होता है? परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या होता है। तो इस पर अपना निकाल लेंगे, क्या होता है? परीक्षणों को योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। परीक्षण का अर्थ हो गया दोस्तों यहाँ पे जितने भी संख्या है सभी को जोड़ देंगे, और जितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है बटे में 5 से डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा हल करके वही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, पोलियो के टीके का आविष्कारक कौन था? पोलियो के टीके का आविष्कारक जो थे कोप्रोक्सी जो थे पोलियो के टीके के आविष्कारक थे, कोप्रोक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो कहाँ लगता है दोस्तों? तो सोनपुर का जो मेला है, यानी बिहार में वो मेला लगता है, सोनपुर का मेला जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी दोस्त जानते हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का जो प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो फारस। क्या था दोस्तों? ईरान का प्राचीन नाम तो जो था फारस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष हो जाएगा आम का पेड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? आम का पेड़। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रश्न आपका जो आईटीआई का एग्जाम हुआ है बिहार आईटीआई का आज, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आम का पेड़ है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आम का पेड़।
दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप यदि जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई भी गाइड से, रेलवे हो, NTPC हो, SSC हो, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेट में आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाता है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से दिया जाएगा और लॉन्ग टाइप से भी दिया जाएगा। दोस्तों आपको आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी कुछ दोस्तों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसका आंसर 100% सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त थे जो पूछा, सभी को सॉल्यूशन मिला है। तो आप जो भी प्यारे दोस्त हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जनरल कंपटीशन को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर, जनरल स्टडी ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जनरल स्टडी ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, वो हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे विशाल गिरजाघर कहाँ है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के कितने मंत्री थे? शिवाजी के जो मंत्री थे कितने थे दोस्तों? 6 मंत्री थे। कितने? 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे विशाल गिरजाघर कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में जो है भारत सबसे विशाल गिरजाघर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूके का राष्ट्रपति क्या है? यूके का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिजाबेथ द्वितीय जो यूके का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? ईसाई धर्म के अनुयायी जो हैं सबसे अधिक हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सा भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों? तो मानक चीनी या मेड्रिन भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है। तो दोस्तों सभी दोस्तों का थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और साथ ही कहना चाहेंगे आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोरिंग शेयर करेंगे कि आपका स्कोरिंग क्या आ रहा है, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें बताएंगे कि आपको कितना रैंक पर कौन सा ट्रेड मिल पाएगा और कितना रैंक लाएंगे तभी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, कोई भी क्वेश्चन यदि बचा हुआ है तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे, मैथ का हो, साइंस का हो या GK का हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सभी दोस्तों का।